गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने चैनल द मैथमेजिशियन शो TMS में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग क्लास 6 से क्लास 10 तक की मैथ्स की पढ़ाई करेंगे इस चैनल पे, और वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे कि जामिया, AMU, BHU, KV, JNV की तैयारी भी करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें सिलेबस ज़रूर पता कर लेना चाहिए, तो इसी कड़ी में क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के अंदर जो कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लास 9th और क्लास 10th का, उसको देख लेते हैं। क्लास 9th में जो टोटल यूनिट्स हैं 6 हैं, और क्लास 10th में सिर्फ एक यूनिट बढ़ गया है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 9th में 6 यूनिट्स के नाम ये इस तरह से दिए हुए हैं आपके सामने हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th का जो यूनिट्स है वो उसमें सारे यूनिट्स सेम टू सेम हैं 9th के, लेकिन एक ही यूनिट बढ़ा दिया गया है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ये मार्क्स जो है, ये मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा आपका, उसमें ये मार्क्स कैरी होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। यानी नंबर सिस्टम से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स होगा 9th में, और अलजेब्रा 17, 17, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स, ज्योमेट्री से 28, मेंसुरेशन से 13 और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स होंगे। अगर क्लास 10th की बात करें हम लोग, तो नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स कैरी होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, अलजेब्रा से 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से 15, ट्रिगोनोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स। ये आपके सामने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है क्लास 9th और 10th के लिए 2020-21 सेशन का, यानी 2021 के फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी का डिज़ाइन है। अगर टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग, ये सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आपके आएंगे। अगर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो रिमेम्बरिंग से 6 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग से भी 6 क्वेश्चंस होंगे, अप्लाइंग से भी 5, और एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग से 3। यानी टोटल बात करें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तो 20 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चंस के लिए अगर सही हुआ तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 20 मार्क्स। शॉर्ट आंसर SA1 यानी शॉर्ट आंसर 1 की बात करें तो हर क्वेश्चन सही होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यानी रिमेम्बरिंग से 2 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग से 1, अप्लाइंग से 2, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग से 1। यानी टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल 12 मार्क्स। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 की बात करें तो हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा आपको सही होने पे, और रिमेम्बरिंग से 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग से 1, अप्लाइंग से 2 और एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग से 3 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर 2 के। यानी कि टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन सही होने पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 24 मार्क्स। लॉन्ग आंसर की बात करें तो रिमेम्बरिंग से 1 क्वेश्चन होगा, अंडरस्टैंडिंग से 3, अप्लाइंग से 1, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग से 1। यानी टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन सही होने पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सही होने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी 6 4 = 24। अब टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स 80 है आपको, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है। और 20 मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स जो आपका होता है इंटरनल असेसमेंट, जो कि स्कूल में ही होता है, असाइनमेंट वगैरह जमा करना होता है और आपके टेस्ट होते हैं, उन सब का ऐड करके 20 मार्क्स आता है, यानी टोटल 100 मार्क्स। इस इंटरनल असेसमेंट के बारे में अगर आप लोग को ज़्यादा जानना होगा तो आप कॉमेंट करेंगे, और इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा।